जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसके आगे का। तो हम सब पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फिफ्थ, जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो चैप्टर है ये हमारे साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से बिलोंग करता है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन से साइंटिस्ट थे सबसे पहली बार सेल खोजने वाले, और उनका नाम था रॉबर्ट हुक, बट बाद में पता लगा वो सेल वॉल थी, है ना, सेल नहीं। फिर उसके बाद एंटोनियो मोलिउनहॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जिससे हम लोगों ने जो हमारा अनियन पील था उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और कॉन्सेस्टेन यूज़ करके देखा था सैफ्रोनिन, है ना। ये भी पता है आपको, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, बट इससे भी बहुत ज़्यादा 1 लाख गुना जूम करने वाला एक माइक्रोस्कोप और होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो डिस्कवर किसने किया? फिर हम यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, वो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और साथ में मतलब बेसिकली कि वो दोनों मिलकर सेल से बने होते हैं, सेल क्या क्या कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीसेलर और यूनिसेलर में ऑर्गन्स जो होता है उनका उनकी भी क्या रहती है, मतलब यूनिसेलर में आपको ऑर्गन्स देखने नहीं मिलेंगे बट मल्टीसेलर में ऑर्गन्स देखने मिलेंगे। उसके बाद यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल भी पढ़े हमने, वो ये क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम अमीबा, और एक और था बताओ कौन सा, बैक्टीरिया, है ना, ठीक है। और बेसिकली और हमने ये भी देखा था कि परगिंजे ने टर्म प्रोटोप्लाज्म को कॉइन किया, सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट कौन थे, स्टीडन और शॉन, और ठीक है इन दोनों के ईयर क्या थे। फिर डॉल्फिरको ने कौन सी स्टेटमेंट दी, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर कितने अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं 90 मीटर, हाँ भाई अच्छा, वो सही समय पे याद आ गया ना, तो है ना 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकता है नर्व सेल, इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। और नर्व सेल के बारे में अच्छा एक बात और बता दूँ, नर्व सेल के अंदर ना रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती, बेसिकली नर्व सेल अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसको वापस नहीं बनाया जा सकता, मतलब ठीक है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, मैच्योर नर्व सेल के अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, एक बार ये ख़राब हो गया मर गया तो ख़त्म, ठीक है, ओके चलो ठीक है। हमने फिर ये दो क्वेश्चंस भी बताए थे आपको, दोनों क्वेश्चन के आंसर्स भी बताए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है 5.2 कि जो सेल हैं वो बेसिकली व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, बेसिकली सेल मिलके कैसे बना होता है और इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले देखा, वी सो अबव दैट द सेल्स हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल में कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनेल्स, हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज। अब हम देखेंगे कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज रहता है, मतलब उस सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहती है और साथ में वो कैसे काम करती है, ठीक है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, ठीक है। हम अगर हम कोई भी हम सेल की स्टडी करें माइक्रोस्कोप के नीचे तो हम लोगों को 3 चीज़ें कॉमन मिलेंगी, ठीक है, वो कौन कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये हमको क्या देखने मिलेगा कॉमन, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, ठीक है। देखो जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर चल रही हैं वो और उनके जो एनवायरमेंट है उससे इंट्रैक्शन वो क्यों पॉसिबल है, बस इन्हीं 3 फीचर्स के कारण क्या है पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा देखो जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं वो किसके कारण कंट्रोल हो रही होंगी, वो कंट्रोल हो रही होंगी न्यूक्लियस के कारण, हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे भी पूरा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, किसके कारण, न्यूक्लियस के कारण। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, जो भी सेल के अंदर चल रहा है वो सब कौन करवा रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस, ठीक है ना, बात समझे आप, ठीक है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसका बहुत बड़ा रोल है भाई, तो सारी ऑर्गेनेल्स को अपने में रखा हुआ है, उसी के अंदर तो ये इसी फ्लूड के अंदर तो कई सारी रिएक्शंस चल रही हैं, आई बात समझ, इसी के कारण तो ऑर्गेनेल्स सस्टेन कर पा रही हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहर से ना कवर करके रखती है सेल को, तो सेल के अंदर से बाहर जाने वाला
चीज़ों का कंट्रोल किसके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। बाहर से अंदर आने वाली चीज़ों का कंट्रोल किसके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो हम बोल सकते हैं बाउंड्री ऑफ द सेल, बाउंड्री ऑफ द सेल बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, और ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, देयर इज दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेसिकली जो कोई पूछेगा कि बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तुम क्या बोलोगे कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्या है ये? आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, सेल की, जो कि सेपरेट करती है सेल के अंदर के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अच्छा, देखो क्या लिखा है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? अलाउ करती है, मतलब या तो अलाउ अलाउ करती है या फिर परमिट करती है, बेसिकली परमिशन देती है या जाने देती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल। बेसिकली कुछ को एंट्री के लिए अंदर आने देगी और कुछ को बाहर भेजेगी। देखो क्या बाहर जाएगा? वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा, है ना? बाहर वेस्ट मटेरियल जाएगा और अंदर क्या आएगा? जो नया चीज़ें बनने के लिए सामान चाहिए वो एंटर करेगा, और बाहर क्या जाएगा? जो कि वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाएगा। सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ठीक है, और ये रोकती भी है कुछ और मटेरियल्स को जो सेल के लिए अनवांटेड है। वो क्यों लेगा अंदर, है ना? वो नहीं आने देगा। द सेल मेम्ब्रेन देयर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, अच्छा, सिलेक्टिवली परमेबल बोलने का रीजन समझ गए क्या है? सिलेक्शन का मतलब, सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है बेसिकली तुम? अच्छा, सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से तुमने कुछ चीज़ों को सिलेक्ट किया। ये भी तो वही कर रही है, कुछ चीज़ों को आने दे रही है, कुछ चीज़ों को जाने दे रही है। सब कुछ अलाउ नहीं अंदर आने के लिए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करेगी वही अंदर आएगा और वही बाहर जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आई बात समझ? बढ़ जाए आगे। ठीक है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन टू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर ठीक है, आपने बताया कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देगी, तो आप हमको ये बताइए कि कैसे, है ना, कैसे? देखो याद रखो, साइंस क्यों है पता है तुमको? वो इस क्वेश्चन मार्क के कारण है। ठीक है, जब तक ये क्वेश्चन मार्क है ना लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में, तब तक साइंस है। जिस दिन ये क्वेश्चन मार्क खत्म तो खोज खत्म, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं किसी को कुछ खोजने की, क्योंकि अब कोई सवाल नहीं है। बट ऐसा होगा क्या कभी कि कोई सवाल ही ना हो? नहीं, है ना? तो याद रखो, लाइफ में जिस भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि साइंस, जिस भी इंसान के पास सवाल होता है ना, इसका मतलब वो जिंदा है, क्योंकि वो कुछ जानना चाहता है, वो कुछ सीखना चाहता है। ठीक है, उसके अंदर करेज है कुछ पूछने का, जो दुनिया चल रही है उससे अलग जाके कुछ करने का, क्योंकि उसके पास सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास सवाल है तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो। ठीक है, सवाल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक मनो मन में सवाल है तब तक ग्रोथ होगी तुम्हारी। जिस दिन खत्म सवाल, ग्रोथ खत्म। चलो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन टू द सेल। अब हम जानेंगे कि कैसे मूव करता है सब्सटेंस अंदर और कैसे बाहर जाता है सेल के। ठीक है, मूव इन टेक्स प्लेस इन टू द सेल एंड मूव आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा देखो, जो कुछ सब्सटेंसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या? बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, CO2। क्या होता है? CO2। ठीक है ना, CO2। और ऑक्सीजन का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? O2। क्या होता है? O2 पता है ना आपको? O2, ये O, ये 2। बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदे तरीके से अच्छी राइटिंग लिखता हूँ मैं, है ना? ठीक है, चलो कोई नहीं, बट आपको पता होगा CO2। अच्छा ठीक है, तो ना बेसिकली ये एक सिंपल सी प्रोसेस के कारण मूव इन होती है कार्बन ऑक्सीजन और मूव आउट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा अब तुम सोचो कि कार्बन, सर मान लो कि हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है,
पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों बाहर निकालें, पड़े रहने दो, हमारा क्या ले जा रही है वो। अरे जाहिर सी बात है भाई, सवाल आता ही नहीं आता मन में, तो मैं आपको इस सवाल का आंसर देता हूँ, ठीक है। वो ये है, ठीक है, वो ये आंसर है कि ना क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म हमने अभी देखा, ठीक है, ये पढ़ा, साइटोप्लाज्म में ना मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी, 70 to 80% ऑफ द क्वांटिटी, मतलब उससे भी ज़्यादा क्या रहती है, वाटर, क्या रहती है, वाटर, ठीक है। और अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कई सारी ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म में भी कई सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं, ठीक है। तो और उन, और देखो, याद रखो, कुछ इन, कुछ ना ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइम, ठीक है। या तो वो रिएक्शन को बहुत तेज करा देंगे, ठीक है, या स्लो करा देंगे। और मेनली जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमको एंजाइम्स मिलते हैं, वो तेज कराने वाले ही रहते हैं, ठीक है, आई बात समझ। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर पीएच, यानी बेसिकली तुमने सुना होगा कि ये सब्सटेंस कितना एसिडिक है या वो कितना बेसिक है, तो बेसिकली एसिडिटी और बेसिसिटी को नापने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं, वो करते हैं पीएच, ठीक है। तो एंजाइम किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम का एक्शन किस पे डिपेंड करता है, पीएच पे, ठीक है, टेम्परेचर पे, ठीक है, और भी एक दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है पीएच। क्या होता है, जो हमारी CO2 है ना, CO2 जो गैस है, ठीक है, अगर वो सेल के अंदर ही रहेगी, और साइटोप्लाज्म में क्या है, वाटर, तो ना क्या करेगी, जो CO2 है, ओके, CO2 और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, H2O, ठीक है बेटा। तो CO2 और H2O जो है, इसको थोड़ा सा प्यारा बना दें, देखो CO2 और H2O जो है ना, ये मिलके क्या बनाते हैं, H2CO3, क्या बनाते हैं, कुछ नहीं, देखो H2CO3 है ना, H2CO3, ठीक है, ये बनाते हैं H2CO3। अब H2CO3 क्या होता है, एक एसिड है, क्या है ये, एक एसिड, क्या है ये, एक एसिड, ठीक है, क्या है ये, एक एसिड है। अब देखो, मैंने अभी बताया था पीएच से इफेक्ट होते हैं, तो अब ये एसिडिक हो गया अगर अंदर का मीडियम, और याद रखो, देखो पीएच अगर कम हो रहा है, पीएच डाउन मतलब एसिडिक, मतलब पीएच डाउन मतलब ए मतलब एसिडिक, ठीक है, और पीएच अप मतलब बेसिक, पीएच अप मतलब बेसिक, ठीक है। तो ना या तो मीडियम ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो भी प्रॉब्लम, एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता, ज़्यादा बेसिक हो जाए तो भी प्रॉब्लम, वो एक्ट नहीं कर सकता, उसको एक स्पेशल टाइप का मीडियम मतलब चाहिए रहता है, एसिडिक कंडीशन चाहिए रहती है, बेसिक कंडीशन रहती है, वो एंजाइम पर डिपेंड करता है। बट मेनली क्या होता है कि अगर साइटोप्लाज्म में इकट्ठी होती जाएगी CO2, तो वो क्या बना लेगी, कार्बोनिक एसिड, जिसके कारण जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और जो लाइफ को सस्टेन करने की रिएक्शन चल रही है वो सब भी हो नहीं पाएंगे। अब आई बात समझ कि CO2 को बाहर निकालना जरूरी क्यों है, हाँ या ना, आ गई, वेरी गुड, ठीक है। मेन तो यार समझना है, किताबों में तो सब लिखा हुआ है, रट तो सब लेते हैं, अगर तुमने समझा मतलब कुछ किया, आई बात समझ, ठीक है, और ठीक है ना, चलो ठीक है। तो ये समझ गए, बात पूरी समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना क्यों जरूरी है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद एक चीज और देखो, यहाँ पे जो वर्ड आया डिफ्यूजन, ठीक है, बाय द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अब ना ये बोल रहे हैं, वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर क्लासेस, अर्लियर क्लासेस। अब देखो मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अर्लियर चैप्टर्स। देखो डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, या मूव है ना, सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ये तीनों स्टेज में हो सकता है, डिफ्यूजन जो है वो तीनों में हो सकता है, ठीक है। और ना इसमें क्या होता है, सब्सटेंस का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप क्या करो, रूम, आपके पास मान लो हीटर या कोई परफ्यूम है, मान लो कोई परफ्यूम है आपके पास, ठीक है, परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है, और या हिट ले लो, अभी मच्छर बहुत हो रहे हैं तो आप हिट छिड़कते हो, ठीक है। अच्छा तो ना आपने क्या करा, कमरे के एक कोने में हिट को स्प्रे करा, ठीक है। अब हिट की बॉटल कितनी बड़ी है, उसके अंदर कितना सारा हिट भरा हुआ है, लेकिन क्या, और तुम जिस कोने में खड़े होकर स्प्रे करोगे वहीं पे जो भी बॉटल से निकलेगा वो सारा हिट रहेगा,
ठीक है, लेकिन तुम धीरे धीरे देखोगे कि वो पूरी के पूरे कमरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हिट के बहुत सारे मॉलिक्यूल, या फिर तुम्हारे परफ्यूम के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, बहुत सारे। बहुत ही सारे, ठीक है। ठीक है ना, बहुत सारे हैं यार। ठीक है, और मैं इस पॉइंट को नाम दे दो ए, जहाँ पे तुमने स्प्रे किया है। क्या क्या कहा, क्या कहा मैंने कि तुम्हारे पास परफ्यूम था या हिट था, तुमने उसको स्प्रे कर दिया एक जगह पर, उस जगह पर हिट की ड्रॉप, मतलब वो स्प्रे की स्प्रे निकला बहुत सारा था। ठीक है, अच्छा, एक जगह है बी। अब वैसे रूम के चारों कोने हैं, लेकिन हम मान रहे हैं बी बस। ठीक है, एकदम सामने वाला कोना। अच्छा, यहाँ पे अभी भी हिट का या परफ्यूम का एक भी मॉलिक्यूल है क्या? नहीं है। बट धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे इतने सारे हैं तो वो मूव करेंगे किसकी तरफ, बी की तरफ। सपोज यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल थे, कितने थे मेरे प्यारे बच्चों, 20। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर कितने मूव करेंगे, 10। ठीक है, बेसिकली वो पूरे रूम में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, समझ में आई मेरी बात? मतलब पूरे रूम में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेंगे। और ये जो प्रोसेस होती है इसके मूव करने की, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो क्या बोलोगे, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। आई बात समझ? पक्का 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 है, हाँ है ना? ठीक, आ गई मुझे लगता है ना। तो बेसिकली डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, कि ए पर 20 मॉलिक्यूल्स थे किसी सब्सटेंस के, ऐसे ही देखो क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, इस ये जो ए पॉइंट है, मान लो ये सेल के बाहर है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, 20 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने टोटल, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। और सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, मान लो 2 मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, हाँ या ना? तो सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी कौन, ऑक्सीजन। कौन मूव करेगी, ऑक्सीजन। बाहर से अंदर की तरफ कौन मूव करेगी, ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो तुमको ये डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है कि डिफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। आई बात समझ? और ऐसे ही देखो, सेल के बाहर कौन मूव कर जाएगी, सेल के बाहर मूव करेगी CO2। देखो CO2 है ये, CO2। अब एग्जाम्पल के तौर पे बी पॉइंट सेल के अंदर था ना, हमने पहले देखा था, और ये बाहर था। तो अब CO2 क्या है, बाहर कम, सपोज 4 या 2 मॉलिक्यूल से लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखो ये मत कहना कि सर आपने बोला था 2 है ना, 2 ही होते होंगे। तो बेटा सर वहाँ जाके गिन के नहीं आए, है ना, तुम जा सकते हो गिनने के लिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमें हायर और लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे बताना है, इसीलिए लोअर कंसंट्रेशन को हमने 2 से बता दिया कि यार कम है वहाँ पे, और हायर को यहाँ पर 20 से बता दिया कि ज्यादा है। ठीक है, ये तुम्हारा ए पॉइंट है जिसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, और इधर कितने हैं, 20, और बात का एक ही चल रही है, CO2 की। ठीक है, तो वो कहाँ से, अंदर से बाहर की तरफ, कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। आ गई बात समझ? ठीक है, वेरी गुड, है ना। उसके बाद एक चीज और याद रखना, जब जब तुम्हारी जो CO2 है वो B से A की तरफ जा रही होगी, ठीक है, और जो तुम्हारी O2 है वो A से B की तरफ जा रही होगी, तो इन लोगों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसको कोई, O2 को कोई मतलब नहीं इधर CO2 के कितने पार्टिकल है, CO2 को कोई मतलब नहीं उधर O2 के कितने पार्टिकल है,
CO2 को बस अपनी प्रजाति वालों से मतलब कि CO2 के कितने पार्टिकल है, CO2 के कम मॉलिक्यूल है वहाँ, कम पार्टिकल है वहाँ, तो मैं उधर मूव कर जाऊंगी, उसको कोई चिंता नहीं कि O2 की क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो गैसेस का सही रहता है, इंसानों की तरह नहीं होते, फ्री में समझ सकते हो ना, मतलब फ्री में कोई लेना देना नहीं किसी से, है ना। इंसानों को क्या हर बात में लेना देना कि वहाँ गए थे क्यों गए थे, अच्छा उनसे मिले क्या कहा, अरे भाई तेरे को क्या करना कुछ भी का यार, अपने काम से काम लेना दे, गैस की तरह बन जा। ठीक है, तुम लोग भी ना याद रखो, हमें भी ना गैस की तरह बन जाना चाहिए एकदम। ठीक है, कि ना कोई लेना देना नहीं है यार, सब अपने घर से लेना देना हमको, अपनी प्रजाति वालों से मतलब है हमको, हमें क्या लेना देना कोई क्या पंचायत कर रहा है, हमें क्या लेना देना बाजू वालों के घर पर दीवार खड़ी हो गई, बंटवारा हो गया भाइयों के बीच, हमें क्या लेना देना। सो है ना, तो हमें कोई लेना देना नहीं फ्री की पंचायत से यार। तो गैसेस का भी यही रहता है, CO2 को कोई लेना देना नहीं O2 की कंसेंट्रेशन से, कितना भी हो CO2 बस अपनी कंसेंट्रेशन देखनी है कि भाई मैं बी पे ज़्यादा हूँ ए पे कम हूँ, तो मैं बी से ए की तरफ मूव कर जाऊँ। O2 को भी कोई मतलब नहीं है, बस उसको ये मतलब है मैं बी पे कम हूँ ए पे ज़्यादा हूँ, तो मैं ए से बी की तरफ मूव कर जाऊँ। आ गई बात समझ, होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, और ना यार डाउट पूछा करो यार। ठीक है, डाउट पूछते हो ना तुम लोग तो ऐसा लगता है तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए। अच्छा, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल्स व्हेन द फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 व्हिच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। अब देखो मैंने तुम लोगों को ये भी बता दिया कि ये सेलुलर वेस्ट है और ये एक्सक्रीट आउट होना कितना जरूरी है सेल के। अब तुम लोग बोलोगे सर ये सेलुलर वेस्ट कैसे, ये आया कहाँ से? तो बेसिकली आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ी होगी रेस्पिरेशन नाम की, उसमें क्या होता है या आप पढ़ोगे अभी आगे, एक रिएक्शन होती है उसमें ना। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में हम लोग कुछ भी खाते हैं, ठीक है, वो अल्टीमेटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, मेरी बात समझ गए, है ना। जब इसका रिएक्शन होता है ना O2 के साथ में, किसका होता है, ऑक्सीजन के साथ में, तब हमको जो मिलने वाला सब्सटेंस होता है वो होता है CO2 और H2O। क्या होता है, CO2 और H2O। ठीक है, अच्छा बैलेंस कर दूं क्या, चलो अच्छा बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल, कार्बन के 6 हैं, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने ऑक्सीजन के, तो 6 2 12 12, और H के कितने 12 हैं, तो यहाँ पे 2 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारे टोटल कार्बन के हो गए 6, ऑक्सीजन के सॉरी हाइड्रोजन के हो गए 12, और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन भी 12 और यहाँ पर 6, तो 18। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को किससे, 3 से। ठीक है, ये तो तुम बैलेंसिंग में नहीं भी घुसोगे ना अगर, तो भी तुम बस इतना समझो कि तुम्हें क्या मिलता है, CO2 और H2O मिलता है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो, कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को बैलेंसिंग भी सिखा दूंगा, और मैं अभी केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी लेके आने वाला हूँ, तो चिंता मत करो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सब मिलेगा आपको, बस आप मेहनत करने को तैयार हो तो। ठीक है, फिजिक्स भी लेके आऊँगा बाद में, चिंता मत करो। ठीक है, बस जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, हो सकता है मैथ्स भी ले आऊँ बाद में, मैं ना लाऊँ, किसी और एजुकेटर से बोलूँगा वो पढ़ाएंगे, बट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करो, सब आएगा, बस मेहनत करते रहो और जुड़े रहो। ठीक है, और लेट्स डू इट। तो बस तुम अच्छा ठीक है, ये समझ गए ना, ग्लूकोज था, ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, और याद रखो किसी भी केमिकल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है ना तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और क्या मिलता है हमको, CO2 मिलता है और H2O मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए CO2 कहाँ से आ रहा है। चलो जी, अच्छा और ना देखो साथ में अब ये हुआ क्यों था, इसका अल्टीमेट एम ये नहीं था कि ग्लूकोज को पकड़ के ऑक्सीडाइज करके CO2 निकालो H2O निकालो, ये हुआ था एनर्जी की, किस लिए हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखेंगे, एनर्जी के लिए। रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी भी तो मिलती है, CO2 मिलता है, H2O मिलता है, और एनर्जी मिलती है। और याद रखो देखो, जो एनर्जी होती है ना वो बायोलॉजिकल सिस्टम में किसके फॉर्म में मिलती है हमको, ATP के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला मैंने, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाँ, तो ये किसके कारण मिलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6।
12:06 आ गई बात समझ, मिटा दूं चलो मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आ गई बात समझ क्यों निकालना था, क्यों करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक्यूमुलेट्स इन हायर कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू डेट ऑफ इनसाइड द सेल। देखो मैंने वही बताया कि ए पॉइंट मान लो तुम बाहर है सेल के, बी पॉइंट मान लो अंदर है, तो बाहर कंसेंट्रेशन इसका क्या है, कम है, और अंदर क्या है, हाई है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ यानी अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है, वही लिखा हुआ है। हाँ, सेल के अंदर हायर कंसेंट्रेशन में एक्यूमुलेट हो जाती है, तो जो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ कम रहती है, तो ये इनसाइड से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। बस बात खत्म, कंसेंट्रेशन डिफरेंस है भैया, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, समझ गए बात को। सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases, thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment, ठीक है। देखो क्या लिखा, O2 जो क्यों एंटर करती है सेल के अंदर, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से एंटर करती है, साथ ही क्योंकि अंदर क्या होता है, O2 बार बार खर्च हो रही है, क्यों हो रही है खर्चा, तुम्हें ये भी पता है, क्योंकि ग्लूकोज जो था उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है ताकि हमको एनर्जी मिल सके, ठीक है, तो O2 लगातार क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो बेसिकली O2 का लेवल अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, तो O2 कहाँ से कहाँ मूव करेगी, बाहर से अंदर की तरफ, आई बात समझ, वेरी गुड। डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज, है ना, ये बात खत्म कर ली अपन, की अंदर और बाहर, है ना, और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है क्या, डिफ्यूजन। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, दिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अच्छा मेरी बात याद करो, याद रखना, ठीक है। अब चलो अपन वाटर के बारे में अभी नहीं देखते, अपन ऑस्मोसिस के बारे में देखते हैं। ऑस्मोसिस को मैं ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, क्या है ये, इट इज अ स्पेशल PCIL, है ना, स्पेशल स्पेशल ही होता है ना, स्पेशल तो नहीं होता ना, चेक कर लो ना, स्पेशल कुछ नहीं होता ना, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, अरे यार समझ गए ना क्या होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलो अब ना आप बोलोगे सर इतना तो एक्सप्लेन आपने डिफ्यूजन में कहता, समझ करो, हाँ तो कर रहा हूँ यार, करता हूँ रुको, ठीक है अब भी करता हूँ, क्लिस्टर क्लियरिटी लानी है यार दिमाग में हमको, है ना, हमको ऐसा पढ़ना है कि लगे कि हमने पढ़ा है, ठीक है, मजाक नहीं करना हमको। देखो तो ना ये क्या है सर, दीवार है सर, अनारकली चुनी थी इसमें नहीं, ये पता है ये क्या है, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मान लो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि बड़ी सुंदर है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, बेसिकली ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, ये सेल के अंदर की कंडीशन है, अंदर को अपन बी बोल रहे थे, ठीक है, बाहर को अपन ए बोलेंगे, अरे यार यार उल्टा कर, हाँ ठीक है चलो, नहीं यार यही चलने दो, दिमाग मत चला जाएगा, तो समझो समझो, ठीक है चलो, ठीक है ए और बी, ठीक है। अब ये अंदर की बात है, ठीक है, तो अंदर क्या हो रहा है, वाटर क्या है, कम, ठीक है, मान लो वाटर के हैं 50 मॉलिक्यूल्स, कितने हैं वाटर के, 50 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और बाहर हैं वाटर के 100 मॉलिक्यूल, नहीं 80 मान लो, 80, ठीक है, क्या करोगे, 80 मॉलिक्यूल, ठीक है, 80 mm, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल को, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल को, ठीक है, तो ए, ये ए है और ये बी है, और अंदर कितने हैं 50 मॉलिक्यूल। अच्छा अब देखो,
बाहर ज्यादा अंदर कम, बाहर ज्यादा अंदर कम, बाहर ज्यादा और अंदर कम। तो बेसिकली वाटर इज सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, या फिर सेलेक्टिवली परमीबल के लिए मैं SPM लिख दे रहा हूँ, ठीक है, SPM। अच्छा लो, ठीक है, SPM, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है, SPM। अच्छा देखो, तो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, और कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक दोनों जगह बराबर नहीं हो जाते, दोनों जगह बराबर नहीं हो जाते, ठीक है, आ गई बात समझ, हाँ या ना, समझ गए ना बात को, ठीक है। अब बोलोगे सर बराबर मतलब कब तक फ्लो करेंगे, तो क्या करो, 8 + 5 मतलब कितना होता है, 13, 130/2 कर लो, उतने वो हो जाएंगे, ठीक है। अब आंसर फ्रैक्शन में आएगा, सर ये मत कहना कि यार नहीं, वैसे फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो 130/2 कर लो, तो 130/2 कितना होता है, 120/60 होता है, और तो 65/65, ठीक है, दोनों तरह जब तक 65/65 नहीं हो जाएंगे ना, दोनों तरह जब तक 65/65 नहीं हो जाएंगे, तब तक मूव करते रहेंगे। तो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो अपने रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा देखो, हमने अभी तक पढ़ा सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल दिया, आप गलती से निकल गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिससे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल अलाउ होते हैं पास होने के लिए, बट हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमको ऐसी मेम्ब्रेन, प्योरली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, प्योरली सेमी देखने को हमको नहीं मिलती, हमें रियलिटी में बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन सी मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कोई शक, अब बता दो, कोई शक है क्या, नहीं है ना, बढ़ जाए आगे, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। अच्छा ये देखो, क्योंकि मूवमेंट होता है ना वाटर का, वो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ऑल्सो इफेक्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब जैसे ना, अब देखो कैसे होता है, मेरी बात सुना, देखो हमने बोला वाटर का हायर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे मैंने कहा था 80 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे कहा था 50 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब 20 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सॉल्यूट के, किसके हैं, सॉल्यूट के। अब देखो भैया, वाटर में कोई चीज़ घुल रही है तो एक सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता, है ना, बचपन से बताते हैं, और हम जानते हैं वाटर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। अब मेरी राइटिंग अब आप बोलो गलत, खराब है, तो कुछ गलत तो बोलो ही नहीं, पर मेरी बात सुनो, है ना, तो बट मैं बोल भी तो रहा हूँ, तो आप बोलने पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, सुनने पे ज़्यादा ध्यान दो, मतलब जो बोल रहा हूँ। और यहाँ 50 कितने हैं, सॉल्वेंट, इसका मतलब यहाँ पे 50 क्या हुए, सॉल्यूट के, लेकिन हमको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है सॉल्यूट से, सॉल्यूट से हमको लेना देना है इससे, किससे, सॉल्वेंट से। 80 यहाँ है, 50 उधर है, तो भाई इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने तक जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो मूव करेंगे हमारे बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, आई बात समझ, आई कि नहीं आई, ठीक है। अगर मान लो ज्यादा सब्सटेंस डिजोल्व होता तो वाटर क्या करता, अब देखो ना, ये यहाँ पे समझ गए ना, हमें वाटर लेना देना, लेकिन दूसरी बात ये समझो कि ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व, बेसिकली ये प्रोसेस उल्टी भी तो हो सकती थी, अंदर से बाहर आ जाता वाटर, कैसे, मान लो अब कंडीशन उल्टी हो जाती कि 80 मॉलिक्यूल वाटर के अंदर हो जाएं और 50 बाहर हो जाएं, 50 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएं, अब मुझे ये बताओ सॉल्यूट किधर ज़्यादा, अंदर ज़्यादा या बाहर ज़्यादा, तो आंसर है बाहर ज़्यादा, सॉल्यूट बाहर ज़्यादा। तो अब वाटर का, अब वाटर कहाँ ज्यादा, अंदर ज्यादा, तो वाटर फिर भी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ, मतलब बाहर, मतलब बेसिकली अंदर से बाहर की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ, अब तक क्या कर रहा था, बाहर से अंदर आ रहा था, अब अंदर से बाहर ही जाएगा,
सर मतलब सर आप लाल स्कूल में पढ़ते थे क्या? नहीं नहीं यार, मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, है ना, इन से आउट की तरफ, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। बस हमें किसका कंसंट्रेशन देखना है, वो हमको वाटर मॉलिक्यूल का देखना है कि बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है। जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से कम की तरफ मूव करा देना, ठीक है, उल्टा कभी नहीं होता, उल्टा यहाँ पे नहीं होता। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ उल्टा नहीं होता ना, डिफ्यूजन में उल्टा होता, ठीक है। अच्छा, आई बात समझ, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो, ये मैंने बता दिया कैसे, कि भैया अगर तुम्हारे पास अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के और बाहर कम है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। तो डिपेंड करेगा ना, मान ली टोटल तूने मॉलिक्यूल लिए थे 100, उसमें से 20 अगर सॉल्ट के थे, मतलब 20 अगर सॉल्यूट के थे और 80 सॉल्वेंट के थे, तो इसका मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है वो 50 है और जो सॉल्यूट है वो भी 50 है, इसका मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे कम है। तो अल्टीमेटली मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ज्यादा से कम की तरफ, पर हमें यहाँ सॉल्यूट से लेना देना नहीं, हमको वाटर मॉलिक्यूल से लेना देना है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ज्यादा, 80 इधर ज्यादा, तो इधर से इधर मूव करेंगे। आई बात समझ, है ना, होप आ गई होगी। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना। थस ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, हायर वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम। देखो वही लिखा हुआ है ना। तुम बोलते हो कि सर ये तो दो लाइन में लिख के खत्म कर देते हैं आप, इतना समझाते हो। देखो बात ये है कि ना, दो लाइन में मैं भी समझा सकता हूँ, बट तुम लोगों को ना वो क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है, और मैं चाहता हूँ तुम्हें वो क्लियरिटी मिले यार, ठीक है। और लाइफ में क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही समझाता हूँ यार। और ना मेरा एक रूल है, पता है क्या, तुम लोग भी बना लो। वो रूल ये कहता है, 100% और नन। अब इस रूल के बारे में बताता हूँ, ठीक है, ये मेरा रूल है। और ऐसा ही ये रूल ना मैंने अपने सर से सीखा, और भी मैंने अपने घर वालों को भी देख के सीखा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 100 और नन। बेसिकली जो भी करो 100% दे दो उसमें अपना, या फिर बिल्कुल उसको हाथ ही मत लगाओ, कोई बात नहीं, करना ही नहीं है यार। अगर तुम्हें 100% नहीं देना ना, तो करना ही नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। क्योंकि जब तुम 100% दोगे तभी तुम्हें 100% रिजल्ट मिलेगा, तभी तुम्हें 100% आउटपुट मिलेगा। जितना अच्छा इनपुट डालोगे उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा ना, तो अगर तुम 100% डालोगे तभी तुम्हें 100% मिलेगा। सब झोंक दो जो भी है, सब लगा दो, ऑल और नन, खत्म, बात खत्म। करना है तो पूरा करेंगे, नहीं करना हुआ तो देखेंगे भी नहीं। ये रूल होना चाहिए लाइफ में, सबकी लाइफ में होना चाहिए। कुछ करना है ना अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में, तो ऑल और नन, पढ़ेंगे पूरा 100% पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे यार। फर्जी मेरे ना, फर्जी काम नहीं होता यार, ये बता दिया वो बता दिया, हो गया थोड़ा सा बता दिया, है ना, या फिर बस इतना इतना हाई लेवल का चमका दिया कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, तो कोई मतलब थोड़ी है। जब तक तुम्हारे दिमाग में ना जाए बात, तब तक क्या मतलब मेरे पढ़ाने का यार। तो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ भाई, तुम भी ऐसे ही सोचो, ठीक है, तुम भी अपने अंदर ये बात बिठा लो। कौन सी, 100% और नन, लाइफ भर याद रखना ये बात, 100% और नन, ठीक है। अब ना ठीक है, चलो ठीक है, ये ना तीन चीजें आपको, तीन एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहे हैं यहाँ पर ना। अब मैं सोचता हूँ, आज की क्लास के लिए काफ़ी बता दिया मैंने तुम लोगों को, और तुम लोग इसी को अच्छे से रिवाइज करना, और जो पहले बताया हुआ वो अच्छे से रिवाइज करना, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, मैं आपके डाउट 100% क्लियर करूंगा। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क। और ठीक है, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अपने मम्मी मम्मी पापा का ख्याल रखो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अपना भी ख्याल रखो। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, घर के अंदर रहो, हीरो बनने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, अभी ये टाइम है समझदारी से काम करने का। और आप घर पे ही बैठ के अपना पढ़ाई करो, और खेलो भी घर के अंदर ही, बाहर मत जाओ। और बस, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।